नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके लाइव वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप एक फेक कॉल से बच सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो मार्केट पे एग्जिट कहाँ पर करना है। बहुत बंदा एंट्री तो सही ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाता है, और उसका चक्कर में जितना प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो एंट्री जितना इम्पॉर्टेंट है, एग्जिट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, वीडियो को देख रहे हैं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि जो न्यू क्लाइंट है उसका इसका बेनिफिट का बारे में पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग का थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एल एस ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहा है। स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एल एस ब्रोकर का प्लेटफॉर्म और भी अच्छा है। तो और डिटेल जानकारी लेने के लिए वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म का लिंक मिलेगा, लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपका पास एल एस ब्लू का तरफ से फ़ोन चला जाएगा। मन में जो भी डाउट या क्वेरीज आप डायरेक्टली उनसे कर सकते हैं। तो चलिए आता हूँ सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस का ऊपर। देखिए आज को मैं 26 तारीख का चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ऊपर में जो एल टी पी आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट ट्रेड प्राइस मतलब ये रियल टाइम वैल्यू आपको अपडेट होते हुए दिखाई दे रहा है, टिक बाई टिक जैसा आपका टर्मिनल में होता है, कोई भी लैगिंग यहाँ पर नहीं होगा। तो 26 अप्रैल का चार्ट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है, दिस द फर्स्ट कैंडल ऑफ टुडे। अब सॉफ्टवेयर में सिग्नल किसे कहते हैं, ये जो रेड कलर का एरो आपको दिख रहा है, रेड या ग्रीन कलर का, इसे हम लोग सिग्नल कहते हैं। जब भी कोई सिग्नल बनता है आपका स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाता है साउंड के साथ, मतलब हम लोग को सिग्नल ढूंढने का जरूरत नहीं है, कॉल जहीं कहीं पर भी आया मुझे मैसेज मिल गया। क्वेश्चन ये है जो कॉल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैसे एज ए स्ट्रॉन्ग कॉल, क्योंकि कॉल तो बहुत सारा बनता है। तो तीन बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर वो कंडीशन को मैच करता है तभी आप ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करना है। तो तीन कंडीशन में पहला कंडीशन होता है कॉल का साथ एक स्टार बनेगा। देखिए मैं इस कॉल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बाय का कॉल से, बाय का कॉल का नीचे देखिए आपको एक ग्रीन कलर का स्टार दिखाई दे रहा है। तो स्टार आपका फर्स्ट कंडीशन होता है, नीचे का जो रिबन है उसका कलर को ग्रीन होना चाहिए, ये आपका सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन में नीचे का इस ब्रिक्स को देखना पड़ता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी का मार्केट के लिए। यहाँ पर देखिए थ्री टाइप ऑफ कलर दिखाई दे रहा है, रेड ग्रीन और मिडिल में ब्लू। ब्लू मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ग्रीन बाइंग के लिए, रेड सेलिंग के लिए। तो कलर ग्रीन होना पड़ेगा बाइंग का टाइम, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिडिल में आपको एक ब्राउन कलर का लाइन दिखाई देगा, उसका ऊपर ब्रिक्स को जाना है। तो अगर ये जाता है तभी जाके यहाँ पर आपको मौका मिलता है कुछ प्रॉफिट बनाने का, जैसे यहाँ पर हुआ था। देखिए ये कॉल परफेक्ट कॉल ही था, सिग्नल के साथ स्टार था, नीचे का रिबन ग्रीन था और ब्रिक्स जो था ग्रीन कलर में था और ब्राउन कलर का ऊपर था, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। तीन कैंडल बाद चौथा कैंडल में आपको दिखाई दिया जो यहाँ पर जो ब्लू कलर का कैंडल बन रहा है, तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको याद रखना है। ब्लू होने का मतलब यह मार्केट शायद रिवर्स होने वाला है, और जहाँ पर आपको दिखाई देगा ब्रिक्स कैंडल का नीचे, ये ब्राउन कलर का नीचे आ गया है, इसका मतलब है आपको पोजीशन को छोड़ देना है। देखिए एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है एग्जिट उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभार हम लोग को प्रॉफिट तो नहीं मिलता है बट लॉस भी नहीं होना चाहिए, दिस इज द फैक्ट। अल्टीमेट देखिए यहाँ पर सेलिंग का कॉल बना था, ये भी सेल का कॉल परफेक्ट था। देखिए सिग्नल का सात स्टार बना था, नीचे का रिबन रेड था और यहाँ पर भी ब्रिक्स रेड कलर में और ब्राउन का नीचे है। तो ये कल का कॉल आज सुबह को थोड़ा सा कंटिन्यू किया, मेरा पहले का वीडियो में मैं ऑलरेडी बताया हूँ, अगर कोई कॉल अगले दिन से चल रहा है तो आज को दोबारा वही कॉल रिपीट नहीं करेगा, आपको कंडीशन को चेक कर लेना है और फर्स्ट कैंडल का लो का नीचे आपको ऑर्डर डालना है। नीचे में जो रेड डॉटेड लाइन है ये आपका सपोर्ट लाइन था, मतलब ये फर्स्ट कैंडल था, अगर मैं इसका लो का नीचे खेलता हूँ ये रेड डॉटेड लाइन मेरा सपोर्ट लाइन है, मुझे अंदाजा मिलेगा जो इतना जाने के बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है। और उसका बाद ही देखिए ये जो ब्रेक्स है ये ब्लू कलर का बना था, यहाँ से आपको एक अलर्ट मिल गया था शायद मार्केट रिवर्स होगा। तो एग्जैक्टली कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा अगर ये चीज़ हम लोग को पता चलता है तो काम करना बहुत ही ईजी हो जाएगा।
अल्टीमेट देखिए सुबह को मार्केट थोड़ा सा नीचे आके घुमा दिया और अभी ये बाइंग का कॉल यहाँ पर बना है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये बाय का कॉल यहाँ पर बना तो है बट इस टाइम नीचे करीबन ग्रीन नहीं था। ब्रिक्स का ब्रेकआउट हो चुका था जो इम्पोर्टेंट है, तो इसका ब्रेकआउट हो चुका था, मतलब इसका हिसाब से कंफर्मेशन था। नीचे का रिबन ग्रीन नहीं था, स्टार नहीं बना। देखिए स्टार यहाँ पर बना, उसके बाद ही नीचे का रिबन भी ग्रीन हुआ है, तो ये बाय का कॉल का कंफर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। इस बाय का कॉल का कंफर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? जहाँ पर मेरा कंडीशन मैच हो रहा है। देखिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर कंडीशन मैच नहीं होता है तो हम लोग काम नहीं करेंगे। बहुत टाइम कंडीशन मैच होते होते काफ़ी टाइम हाथ से निकल जाता है, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अगर सिग्नल का साथ कंडीशन मैच हो जाए तो दिस इज़ वेरी गुड। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, जिस टाइम कॉल बन रहा है कंडीशन का साथ उसी टाइम ब्रिक्स ब्रेकआउट हुआ तो भी ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर एंट्री कहाँ पर लूँगा? इस कैंडल का क्लोजिंग के बाद, मतलब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर। इस टाइम मार्केट का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर में 769.9, मतलब मैं 770 पकड़ लेता हूँ। 770 में सोचिए जो बंदा एंट्री लेगा, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। नीचे का रेड डॉटेड लाइन आपका सपोर्ट था, तो ये रेजिस्टेंस को देखते हुए आपको एक अंदाजा करना पड़ेगा जो क्या टारगेट आपको मिल सकता है। 770 में मैं एंट्री तो ले रहा हूँ और रेजिस्टेंस का वैल्यू 790.91 पे है, मतलब ओनली 20 पॉइंट का एक मूवमेंट आपको मिल सकता है। तो आपको ये 20 पॉइंट से खुश रहना पड़ेगा। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही मिलने वाला है ऐसा नहीं है, मार्केट जितना देने वाला है आपको उतना मिलने वाला है। तो इस चीज़ को समझना है। एक ट्रेडर का गलती होता है जो एंट्री तो ले लेता है और उसके बाद वेट करता है जो मुझे इतना टारगेट मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये जो ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन है ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है, तो लगभग रेजिस्टेंस को हिट कर चुका था अगर मैं देखूंगा तो। यहाँ अभी भी यहाँ पर एक स्कोप है, क्योंकि नीचे का जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जब तक ये कैंडल ये ब्राउन का नीचे नहीं आता है तब तक आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिए, ब्लू कैंडल बन चुका है, मतलब ये रिवर्स का एक संकेत है। बट अभी भी मैं थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ, नीचे का रिबन मेरा ग्रीन है और ये जो ब्रिक्स है ये ब्राउन का नीचे जब तक नहीं आता है तब तक आप मार्केट में थोड़ा बहुत फाइट कर सकते हैं। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, अभी का जो मार्केट है पहले जैसा उतना स्मूथ नहीं रहा। 20-25-30 पॉइंट का ही मूवमेंट हो रहा है, उससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, उतना में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो जिस दिन जैसा मूवमेंट है उस दिन ऐसा पैसा निकालेंगे, कोशिश करना है प्रॉफिट अगर ज़्यादा नहीं भी हो रहा है चलेगा, बट लॉस ना हो। अगर इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस करके आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली आप मंथ एंड में एक अच्छा रिटर्न ला पाएंगे। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। अभी ये लाइव परफॉर्मेंस चल रहा है आपका सामने, अभी 11:25 का टाइमिंग हो रहा है, ये आपका लाइव अपडेट हो रहा है। तो टिक बाई टिक ये ऐसे चलते रहेगा लाइव मार्केट का साथ। इंडिकेटर आपको गाइडलाइन देता है जो क्या होगा, क्या हो सकता है उसका एक अंदाजा, जिसे देखते हुए हम लोग ट्रेडिंग लेते हैं। तो कैसा लगा है जरूर वीडियो को कमेंट करके बोलिएगा। ज़्यादा से लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि जो न्यू क्लाइंट है उसको इसका बेनिफिट के बारे में पता चले। देखिए धीरे धीरे ये जो ब्रेक्स है ये ब्राउन का करीब आ रहा है, बट अभी भी मैं यहाँ पर मार्किंग करके रखा हूँ क्योंकि ये अभी भी ब्राउन का नीचे नहीं आया। जैसे ही ब्राउन का नीचे आएगा तो आपको पोजिशन को छोड़ देना पड़ेगा। देखिए एंट्री चाहे जहाँ कहीं पर भी ले रहे हैं, एग्जिट कितना प्रोमिनेंट है ये आपके लिए मायने रखता है। बहुत बंदा एंट्री तो ले लेता है, देखिए एग्जिट नहीं कर पा रहा है, बट हम लोग जो एग्जिट करा रहे हैं तो देखिए लगभग मार्केट का टॉप में एग्जिट करा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है एक सॉफ्टवेयर के लिए जो एग्जैक्टली आपको निकाल कर आ रहा है। तो होपफुली समझ में आया होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और इस तरह इसका और भी अगर वीडियो आपको देखना है तो मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, चैनल को ओपन कीजिए, काफ़ी सारा वीडियोज़ दिया हुआ है, दो चार वीडियोज़ और देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। उसका बाद भी अगर आपका मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।